गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास में हम आकलन के चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आकलन का चित्र कैसा है कि पहले आकलन का चित्र संकुचित था। क्यों? क्योंकि पहले जो बच्चों का आकलन किया जाता था, छात्रों का आकलन किया जाता था, उसमें सिर्फ एक ही पक्ष का आकलन किया जाता था, वो था बौद्धिक पक्ष। लेकिन वर्तमान में बालक के संपूर्ण पक्षों का विकास किया जाता है, संपूर्ण पक्षों का आकलन किया जाता है, इसलिए आकलन की प्रक्रिया अब व्यापक हो गई है। तो आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत वो पक्ष आते हैं जिसमें कि व्यवहार परिवर्तन किया जा सके। अब वो पक्ष हैं जैसे कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी पक्षों का आकलन किया जाता है और बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसलिए वर्तमान में आकलन का जो चित्र है वो व्यापक हो गया है। तो आकलन के चित्र को हम व्यापक रूप में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आकलन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट का क्या क्षेत्र है। तो असेसमेंट के क्षेत्र की व्यापकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो असेसमेंट के आकलन के लिए एक परिभाषा गेज ने दी है। तो उन्होंने कहा है कि गेज के अनुसार गेज ने क्या कहा है, गेज ने पहली परिभाषा दी है वो है आकलन की परिभाषा जो गेज ने दी है वो इस प्रकार है। आकलन की प्रक्रिया की व्यापकता आकलन की प्रक्रिया की व्यापकता आकलन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, अपने प्रसार का उल्लेख करती है, उल्लेख करती है, ना कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि का, ना कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि, ना कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। तो गेज ने आकलन की जो परिभाषा दी है, आकलन के चित्र की वो परिभाषा दी है, वो आकलन की प्रक्रिया की व्यापकता, यानी आकलन की प्रक्रिया में बच्चे के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, इसलिए आकलन की प्रक्रिया कैसी है, ये व्यापक है। तो ये छात्र के समक्ष व्यक्तित्व पर, यानी छात्र का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उस पर अपने प्रसार यानी सभी पक्षों का आकलन करती है, उनका उल्लेख करती है, ना कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। तो केवल बौद्धिक पक्ष का ही आकलन नहीं किया जाता है, वर्तमान में आकलन की प्रक्रिया में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, उसके सभी पक्षों का आकलन किया जाता है, इसलिए आकलन की प्रक्रिया वर्तमान में व्यापक हो गई है। तो ये गेज ने भी यही कहा है। अब वो कौन कौन से पक्ष है जो कि आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें पहला पक्ष है ज्ञान। तो पहला पक्ष कौन सा है, पहला पक्ष है ज्ञान, पहला है ज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान है छात्रों को जो पढ़ाया गया उसमें से छात्र ने कितना ग्रहण किया, क्या सीखा, क्या कठिन शब्दों का अर्थ छात्र जान गए हैं, क्या पाठ का अर्थ छात्रों ने सीख लिया है, तो कितना ज्ञान छात्रों ने ग्रहण कर लिया है, तो इसका भी आकलन किया जाता है। तो ये भी आकलन के चित्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है बोध, बोध या अवबोध,
या अवबोध। बोध क्या होता है? बोध का अर्थ होता है समझ, यानी छात्रों को जो पाठ पढ़ाया गया उस पाठ में छात्रों ने कितना समझा, या क्या छात्र इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या इसकी तुलना कर सकते हैं, क्या इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यानी वो समझ, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोध या अवबोध यानी समझ उसको आ गई, तो समझ के आधार पर छात्र वर्गीकरण कर सकता है, तुलना कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो ये अवबोध के अंतर्गत आती है, तो इसका भी आकलन किया जाता है, तो ये भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है इसमें सूचना, तीसरा है सूचना यानी ज्ञान से संबंधित यानी पाठ से संबंधित कितनी सूचनाओं को छात्रों ने एकत्रित किया है या अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित किया है या उनको समझा है, वो सब सूचना के अंतर्गत आती है। जैसे कि पाठ का अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ, प्रश्नों के उत्तर, मूल्यांकन आदि से संबंधित जो क्रिया कार्य और व्यवहार किए जाते हैं उससे संबंधित जो सूचनाएं शिक्षक के द्वारा छात्र को दी जाती है, उन सूचनाओं में से कितनी सूचनाओं को छात्र ने ग्रहण किया है या अंकित किया है वो सूचना के अंतर्गत आती है। यानी जो सूचनाएं होती है वो विषय वस्तु से संबंधित होती है, विषय वस्तु से संबंधित वो सूचनाएं होती है जिनका भी छात्र संग्रहण करता है या उनको अंकित करता है, तो ये भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगले आती है इसमें कुशलताएं, कुशलताएं। अब वो कुशलताएं कौन कौन सी होती है, यानी पाठ पढ़ाते समय जैसे कि पाठ का अर्थ बताया तो छात्र ने उस अर्थ को ग्रहण कर लिया, या फिर कुछ जैसे कि ग्रामर पढ़ाई तो ग्रामर को संधि विच्छेद करना सीख लिया, विश्लेषण संश्लेषण करना सीख लिया, तो वो भी कुशलता के अंतर्गत आती है। या फिर कोई जैसे ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट है तो उनमें मैप बनवाते हैं या कोई चित्र बनवाते हैं, तो वो सब कुशलता के अंतर्गत ही आता है। तो उन कुशलताओं में से छात्र ने कितनी कुशलताओं को ग्रहण किया, तो ये भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगला है इसमें पांचवा, बुद्धि, बुद्धि। अब यहाँ बुद्धि का अर्थ है कि छात्र ने पाठ को पढ़ाते, शिक्षक ने जब पाठ पढ़ाया तो छात्र ने अपनी बुद्धि का कितना उपयोग उसमें किया, यानी कितना उसको सीखा, कितना उसके अंतर्भाव को समझा, कितनी उसने व्याख्या करनी सीखी, अर्थ समझा। तो यानी मानसिक पक्ष से संबंधित जो भी कार्य होते हैं तो उसको छात्र ने कितना समझा, ये सब चीजें छात्र की बुद्धि के अंतर्गत आती है, तो इस बात का भी आकलन किया जाता है, तो ये भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, अभिवृत्तियां और मूल्य। प्रवृत्ति, अभिवृत्ति और मूल्य, तो यहाँ विषय वस्तु से संबंधित छात्र में कितनी प्रवृत्ति है या फिर अभिरुचि है या उसमें छात्र की रुचि है या नहीं है, या फिर अपने साथियों के साथ कितने मूल्यों का छात्र ने उपयोग किया है या किस प्रकार का व्यवहार छात्र ने अन्य साथी छात्रों के साथ किया है, शिक्षक के साथ किया है, तो ये मूल्य के अंतर्गत भी आता है। यानी नैतिक जो चीजें होती है वो मूल्य के अंतर्गत आती है। अभिवृत्तियां यानी रुचि, छात्र की उस पाठ में रुचि है या नहीं है, तो इसका भी आकलन किया जाता है। प्रवृत्तियां, जो भी उसकी प्रवृत्ति है, जैसे कि जैसा उसका स्वभाव है, प्रकृति है, तो उसको उसका भी आकलन किया जाता है, वो भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इसके अगला बिंदु है वो है योग्यताएं, योग्यताएं। अब योग्यताएं यानी क्लास में व्यक्ति विभिन्नता वाले छात्र होते हैं तो वो अपनी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करते हैं या अधिगम करते हैं। तो किस छात्र ने किस विषय में कितना अर्जित किया और कितना नहीं किया, तो उनकी योग्यता के आधार पर पता लगाया जाता है। तो योग्यताओं का भी आकलन किया जाता है, यानी बालक की
सक्षमता का भी आकलन किया जाता है कि बालक इस कार्य करने में समर्थ है या नहीं है, या इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इसका भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आकलन किया जाता है। तो ये भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है बालक की योग्यताएं। तो योग्यताएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। पहली है सामान्य और दूसरी है विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट। तो ये जो योग्यताएं हैं वो भी दो प्रकार की होती है, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। तो इन दोनों का छात्र में इनको सीखा या नहीं सीखा है, तो इस बात का भी आकलन किया जाता है। तो अगला है इसमें रुचि, छात्रों की त्रुटियां। छात्रों की त्रुटियां। अब छात्र पाठ को अधिगम करते समय, क्लास में पढ़ते समय कई प्रकार की त्रुटियां करते हैं, बाद में भी करते हैं। तो आकलन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि ये छात्र इस विषय में या इस पाठ को पढ़ने में या लिखने में या बोलने में त्रुटि क्यों कर रहा है। तो उन त्रुटियों का पता भी आकलन के द्वारा लगाया जाता है। यह बालक की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस बात का पता भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत ही लगाया जाता है। तो जो त्रुटियां बालक करता है उन तो आकलन के द्वारा उन त्रुटियों का पता लगाया जाता है और फिर उनमें सुधार के प्रयास किए जाते हैं। तो त्रुटि छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियां भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। तो इसलिए आकलन का क्षेत्र क्या हो गया? व्यापक हो गया है। अगला है रुचियां। रुचियां रुचि, रुचि भी विषय वस्तु से संबंधित। रुचि कैसी रुचि? विषय वस्तु से संबंधित। तो विषय वस्तु से संबंधित रुचियां होती है, तो उन रुचि के अनुसार भी छात्र का आकलन किया जाता है कि छात्र की किस विषय में रुचि है या नहीं है, या किस कार्य को छात्र पसंद करते हैं या नहीं करते, या किस शिक्षण विधि से छात्र पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या कौन सी विधि इनके लिए यूज की जाए। तो ये सब छात्र की रुचि के अंतर्गत आती है। तो छात्र किसी बात को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या इसके बारे में वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो छात्र की रुचि के लिए भी कई अभिरुचि परीक्षण तैयार किए जाते हैं, जिनसे कि छात्र की रुचि का पता लगाया जा सकता है। तो रुचि परीक्षणों के आधार पर छात्र की रुचि का आकलन किया जाता है। तो ये छात्र की जो रुचियां हैं वो भी, छात्र की रुचियां भी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार से छात्र के विभिन्न पक्षों का आकलन किया जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसलिए वर्तमान में आकलन की प्रक्रिया कैसी है? व्यापक है। तो आज हमने आकलन के क्षेत्र को समझा कि आकलन का क्षेत्र कैसा है, कितना व्यापक है, कौन कौन से पक्ष इसमें आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।